गाइस, आज हम नौगांव के बाजार पे आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नौगांव के बाजार में क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, फ्रूट, वेजिटेबल एंड बहुत सारी थिंग्स क्या मिलता है, आज हम आपको बताएंगे। तो मेरा नाम है नदीम रहमान और आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। प्लीज आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए। बड़ा बाजार के सामने है तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बड़ बाजार का फ्रेश फ्रूट्स मार्केट। तो अगर आप नागा में रहते हैं तो बड़ बाजार से ही फ्रूट्स खरीदना, क्योंकि यहाँ पर ताजा फ्रूट्स मिलते हैं और कम दाम में भी मिलते हैं। दोस्तों, क्या आपको फ्रूट्स पसंद है क्या? अगर पसंद है तो खाइए और अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए। और फ्रूट्स खरीदना है तो यहाँ से खरीदिए अगर आप नौगांव में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्रेश फ्रूट्स मिल जाते हैं। तो अभी हम आपको बड़ा बाजार का बहुत बड़ा वेजिटेबल मार्केट दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम अभी आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारे नौगांव में विंटर सीजन चल रहा है। अगर आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल देखने हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अभी विंटर सीजन चल रहा है, इसीलिए फार्मर्स का बहुत मुश्किल होता है ये फ्रूट्स उगाने मतलब वेजिटेबल्स उगाने में। तो आप इन वेजिटेबल्स को ले जाकर प्लीज वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि फार्मर्स जब ये उगाते हैं तो उनका बहुत बहुत मुश्किल होता है इनको उगाने में। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो आप इन दुकानदार को ही देखिए, थोड़े से पैसे के लिए सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं ताकि कुछ पैसे मिल जाए, मैं अपने परिवार को चला सकूं। ऐसे के लिए इतने मतलब कष्ट करते हैं। तो आप प्लीज शॉपिंग मॉल से अच्छा तो यहाँ से खरीदिए, और ये बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स भी देते हैं और इनका थोड़ा हेल्प होगा अपने परिवार को चलाने के लिए। तो ये है असम का फेमस भुज जलकिया, ये बहुत तीखा है। और ये कैरोट्स है मतलब गाजर, ये विंजल्स है, ये टोमेटोस है, ये कुछ लेडी फिंगर्स, ये पंकिन है, और ये लेमन है। ये लेमन साउथ में नहीं मिलते, बस यहाँ पर ही मिलते हैं। देखिए कितने सारे गाजर्स है, मैं देख के ही सब कुछ खाने का मन कर रहा है। तो देखिए ये है आमला, और ये है बीन्स मैं तो अच्छे से खाता हूँ, ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और ये है फ्रेश बीन्स, और ये है मटर, और ये कुछ ब्रोकोलीप्स है, और ये कुछ धनिया है, और इसे हम असम में ओटेंगा बोलते हैं। ये है बहमी खाग, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, और हम इसे असमीस में रंगालाव कहते हैं। और दोस्तों, और ये बहुत सारे वेजिटेबल्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये बहुत फ्रेश है, खाने में बहुत टेस्टी है। मैं और वो देखिए कैप्सिकम, मैं ये डेली खाता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो लाल वाला जिसे बोलते हैं कलदिल, ये केले के पेड़ में मिलता है। और वो देख सकते हैं दुकानदार हमें कुछ हमें दे रहा है, हम उनसे खरीद रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इतने सारे फ्रेश वेजिटेबल्स है। अगर आपको विटामिन चाहिए तो आप ये खा सकते हैं, ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो ये खाइएगा। और जिनको भी बॉडी सॉरी डोले सोले बनाने हो वो तो चिकन खाइए अच्छे से, तब उनका बॉडी सॉरी आ जाएगा। विंटर की एक ही खास बात है कि हमें बहुत सारे फ्रेश में वेजिटेबल मिलते खाने के लिए, और हमारे हमारे बॉडी के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए मुझे
अत्यंत पसंद है। तो मैं आपको एक राज की बात बताऊं, मुझे वेजिटेबल से ज्यादा चिकन खाना पसंद है, लेकिन मेरे पापा मुझे चिकन खाने देते नहीं, वो सिर्फ मुझे वेजिटेबल्स खिलाने चाहते हैं, क्योंकि पापा कहते भी है कि वेजिटेबल हमारे बॉडी के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए पर सेहतमंद होते हैं, इसलिए पापा जिद करते हैं। तो मैं अगर मैं नहीं खाऊंगा तो भी पापा मुझे मारेंगे, इसीलिए मैं खाता हूँ। अब सबसे राज की बात बताऊं, मैं मुझे सबसे ज्यादा चिकन पसंद है वेजिटेबल्स से, इसलिए कभी कभी अगर पापा नहीं होते तो मैं जाके चिकन लेके आता हूँ और खुद बना के खा जाता हूँ। मैं अभी आपको नेहरू वाली के पास में जो वेजिटेबल्स मार्केट देख रहे हैं ना, उनको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर विलेज से इंसान आके यहाँ पर वेजिटेबल बिक्री करते हैं, वो भी बहुत फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर है वो सारी दुकान, देख सकते हैं आप कितने फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स है। और ये लोग नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे कि गोबर देते हैं, और हो इसीलिए इनके वेजिटेबल्स बड़े फ्रेश होते हैं खाने के लिए। तो अभी हम फिर से बड़ा बाजार के चिकन और वेजिटेबल मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो अभी हम आपको चिकन का दुकान दिखाएंगे। तो चलिए, हम अभी आपको यहाँ पर बोयला सोयला सब मिल जाता है और कटा भी मिल जाता है। तो अभी ये देख सकते हैं, वहाँ पर एक और दुकान है, वहाँ पर कटा बोयला भी है, कटा है और बहुत कुछ चीज है वहाँ पर, बोयला लुकेल और सब मिल जाता है यहाँ पर खाने के लिए। तो मैं कभी कभी आकर यहीं से ही ले जाता हूँ खाने, यहाँ पर ही सब बोयला सोयला सब मिलता है, यही हम आते हैं सब खरीदने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने सारे चिकन की दुकान है, तो आप इतने सारे दुकान से, तो आगे भी बहुत सारे दुकान से होंगे। तो चलिए, मैं आपको और भी बहुत सारे चिकन की दुकान दिखा रहा हूँ। तो चलिए, तो गाइस, मैंने आपको पूरा बड़ बाजार का मेन मार्केट दिखा दिया है, मतलब शेयर करा दिया है। आप लोगों को शायद ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं एक 9 साल का छोटा सा लड़का हूँ, मैंने ये वीडियो मेरे मम्मी मामा के साथ किया है, और जिन जिन ने ये वीडियो देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये वीडियो अपने फैमिली वाले और दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए और मुझे एनकरेज कीजिए।